मत कि मैं बहुत बोलूंगी, मैं थोड़ा सा ही बोलूंगी, जब आप लोग बोलेंगे मैं बंद भी कर दूंगी। पर मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ, एक ऐसी अनूठी यात्रा जहाँ पे वैदिक काल है और जहाँ पे हर तरीके के पुरुष का, स्त्री का, जो सो कॉल्ड थर्ड जेंडर है उनका भी सम्मान है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी हिजड़ा नाम का शब्द नहीं है, हमारे शास्त्रों में है पुरुष, स्त्री, यक्ष, गंधर्व और किन्नर। और किन्नर वो होते थे जो पूजनीय थे। तो ये जो संस्कृति है, जिस भूमि में आप खड़े हैं, ये भारत भूमि, ये हमेशा सबको स्वीकारती रही है, ये कभी भी किसी को अलग नहीं कर रही। तो फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आई जो हम देख रहे हैं, ये अलगाव की, ये भेदभाव की प्रॉब्लम, ये कहाँ से आई और कब आई और कैसे आई? और हम लोगों के मनों में, मस्तिष्क में घुसती चली गई, ऐसे घुसती चली गई कि जो हमारे अपने थे, जो हर तीज त्यौहार पे, शादी ब्याह पे, बर्थ पे, उद्घाटनों में, गृह प्रवेश में, जहाँ हर जगह होते थे और जिनके आशीर्वाद के बिना ये सब, ये वो नहीं था। हम मानते थे कि जब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो बहुत छोटी सी यात्रा पर ले चल रही हूँ, वेदों के काल से। वेदों के काल में जहाँ विष्णु मोहिनी है, आप लोग जानते हैं कि विष्णु जी को ही मोहिनी का स्वरूप लेना पड़ा। क्यों? ये था असुर और देवताओं का जब संग्राम था और असुरों को लग रहा था अमृत मिल जाएगा। अब देवताओं तो बड़े कुचार करते हैं, प्लान कर रहे थे हम क्या करें, सारा अमृत अगर असुर ले जाएंगे तो पृथ्वी माता का तो बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तो उन्होंने प्लानिंग करी और विष्णु के पास पहुँचे और विष्णु ने कहा मत घबराओ, मैं ही आऊँगा मोहिनी का रूप लेके, स्त्री का रूप लेके, और उनकी बुद्धि हर लूँगा और चुपके से तुम लोगों को वो पिला दूँगा। और उन्होंने वही करा। तो हमारे पुराणों में, हमारे काव्यों में, महाभारत में, वेदों में, हर जगह बहुत सम्मान से देखा गया है। आत्मसम्मान से ही नहीं, पूरी सोसाइटी ने सम्मान दी है। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धर लिया और वो काम हो गया। उसके बाद यही मोहिनी का प्रसंग आता है विष्णु पुराण में। अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक भस्मासुर थे, उनको वरदान था कि वो किसी को भी छुएंगे वो भस्म हो जाएगा, पर उन्होंने अमरत्व मांग ली और वो अमर बन गए। अब जब अमर बन गए, अब उनको कैसे हराएं? तब विष्णु वापस मोहिनी का रूप लेके आए और उन्होंने उसको प्रेरणा दी, तो उसने अपने ही सर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गए। इस तरीके से हमें लिंग पुराण में मिलते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना सिर्फ यही भूमि में की गई है, कहीं भी विश्व में नहीं है। नारी का सम्मान कहीं कोई नहीं कर पाया, तो तीसरे लिंग का, नपुंसक लिंग का, किन्नरों का, ट्रांसजेंडर्स का कैसे होना? नहीं हो सकता। तो ये बदला कब? ये सम्मान बदला कैसे? बदला जब कॉलोनाइजर्स आए, जब हमारे यहाँ जो विधर्मी लोग हैं, जब हमारे यहाँ सनातन धर्म के अलावा जो रिलीजन्स आए, सनातन धर्म के अलावा जो थॉट फ्लो आया, उसमें इन लोगों के प्रति जो हिजड़ा शब्द है, ये हमारा नहीं है। हिजड़ा शब्द उन्हीं लोगों का है, इसीलिए हम उसे सम्मान से नहीं देखते, हम किन्नरों को सम्मान से देखते हैं। तो हिजड़ा शब्द, उनकी प्रकृति, उनकी सोच बिल्कुल अलग सनातन धर्म से। और क्रिश्चियनिटी जब आई, जब हमारे पास ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हुआ और कॉलोनियल थॉट के साथ विक्टोरियन मोरालिटी ऑफ न्यूडिटी, ऑफ प्रोफैनिटी, वो समझ ही नहीं पाए कि ये कैसा समाज है। यहाँ पे ब्लाउज पेटी को बिना पहने साड़ियाँ पहन रही हैं, उस समय ऐसा ही होता था, और यहाँ पे ये लोग सबको स्वीकार लेते हैं। यहाँ पे कोई बहिष्कृत नहीं है, किसी का बहिष्कार नहीं किया, हर एक को इंक्लूड करा। तो उन लोगों का थॉट फ्लो है, क्योंकि ब्रिटिश ब्राउन कॉलोनाइजर्स चले गए, पर रह कौन गया? वाइट इंग्लिशमैन, ब्राउन इंग्लिशमैन, वाइट इंग्लिशमैन चले गए और रह गए हम। हम लोग यहाँ से इतने कॉलोनाइज हो चुके थे, हमारी बुद्धि में आज तक वही भरा हुआ है और उससे हम नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े नहीं हैं, हम अपने ही शास्त्रों से जुड़े नहीं हैं। अगर हम उनसे जुड़ेंगे तो हम अपने प्रति भी सम्मान और सबके प्रति सम्मान रख पाएंगे। तो वेरी क्विकली आई विल टेक यू, जैसे मैंने आपको विष्णु पुराण बताया, महाभारत के उससे पहले रामायण का काल आता है। कभी हमने सोचा कि क्यों हम इन लोगों की, सब लोगों की दुआएं चाहते हैं? कभी हमने सोचा कि ये इतने पूजनीय हैं हमारी प्रकृति में, हमारी संस्कृति में? क्योंकि रामायण में कहते हैं कि जब श्री राम का वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो वनवास के समय पूरी अयोध्या
चली गई। श्री राम ने एक पॉइंट पर रुके, कहा प्लीज आप लोग वापस जाइए, आप लोग मत मेरे साथ आगे जाइए, मुझे वनवास मिला है आपको नहीं। तो श्री राम ने रात बीत गई, अगले दिन सुबह कहा सभी स्त्री पुरुष चले जाए, प्लीज ना रुके यहाँ पे, सब जाए। परंतु 14 वर्ष बाद जब वो लौटे तो वो हैरान, पूरा का पूरा समुदाय वहां पे रुका हुआ था। उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा भगवान आपने पुरुषों और स्त्रियों को बोला, हम तो तब से ही आपका इंतजार कर रहे हैं, 14 वर्षों से हम आपकी राह देख रहे हैं, आप आएंगे और हमें अयोध्या लेके जाएंगे। तो तब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था। श्री राम ने कहा था ये आपका वरदान है, आपके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि आप सब कुछ, आप जिसको भी आशीर्वाद देंगे उसके जीवन में तरक्की प्रगति सारी शुभता होगी। तीसरा आता है महाभारत में। महाभारत में हमें पता ही है शिखंडी तो शायद बहुत फेमस है, सब जानते हैं। उससे पहले युद्ध हो रहा था। जब मैं यहाँ पे घुसी तो मैंने रुद्राणी को बोला, मैंने कहा रुद्राणी ये तो अरावण देवता है ना, तो बोली आप जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ये अरावण देवता है, ये अरावण देवता ही वो है जिनसे ये किन्नर समुदाय शक्ति प्राप्त करता है, और ये अरावण है अर्जुन और उलूपी के पुत्र। अर्जुन जो हमारे महाभारत में है और उलूपी एक नाग कन्या थी, उन दोनों से पुत्र पैदा हुआ था जिसको जब युद्ध चल रहा था श्री कृष्ण बैठे, अगर कोई बोर हो रहा है तो मैं यही बंद कर दूंगी, सब लोग जोर से बोलेगा मैं बोलूंगी नहीं तो नहीं बोलूंगी। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये मैं नहीं सुनाऊंगी, पर मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है अगर आप जानना। तो अर्जुन और उलूपी का पुत्र हुआ और वहां पे युद्ध था कि बढ़ते जा रहा था, भीष्म पितामह लीड कर रहे थे, 10 दिन हो चुके थे, पांडवों की सेना मरते चले जा रही थी। तब कृष्ण ने ये प्रपोज किया कि हम एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बलि की हमें बलि देना होगा, नर बलि। तो सबने कहा कौन होगा कौन होगा, जिसकी बलि से माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ। तब रावण आए जो अर्जुन और उलूपी के पुत्र थे, उन्होंने कहा मैं बलि दूंगा श्री कृष्ण आपने, उन्होंने बलि दी। पर उस समय ये था, उन्होंने कहा कृष्ण ने कहा क्योंकि तुम बलि देना लेना स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो रावण ने यह मांगा कि मेरा विवाह हो जाए। अब विवाह कैसे हो, क्योंकि सबको पता था अगले दिन वो मरने वाले, तय हो चुका था कि अगले दिन बलि देंगे, कोई भी तैयार नहीं था अपने स्वयं के कि मेरा पति अगले दिन मर जाएगा। तब कृष्ण ने वापस स्वरूप लिया, अरावण से विवाह किया, अरावण ने अगले दिन अपनी बलि दी पशु बलि, और अरावण को वो स्थान मुकम्मल हुआ जहाँ सारे किन्नर अपने आप को उनसे ट्रेस करते हैं। और अब भी तमिलनाडु में 18 दिन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कुवकम गांव में, तो 18 दिनों का वे जो वहाँ पे होता है, दुनिया भर के देश विदेश के किन्नर वहाँ पे आते हैं, वे स्वयं श्री कृष्ण की पत्नियाँ बनते हैं उस दिन, ये सब लोग अपने मुँह हिला रहे हैं, वे सब लोग श्री कृष्ण की पत्नियाँ बनते हैं और लास्ट डे को अपने आप को श्री कृष्ण की विधवा मान लेते हैं, सारे सुहाग के मंगल चिन्ह वहाँ से हटा देते हैं। अब मैंने महाभारत को बताया, अर्जुन आप जानते हैं बृहन्नला बना था, जानते हैं आप लोग सब, बृहन्नला बन के उन्होंने महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुए, परीक्षित की वजह से ये पूरी लीनियज चल पड़ी, नहीं तो अश्वत्थामा ने सबको समाप्त कर दिया था। तो जो किन्नरों का योगदान हमारे सनातन संस्कृति में रहा है वो बहुमूल्य है, वो ना पहले कभी हुआ था और ना कभी होगा, और तभी इन लोगों का समाज में बहुत आदरणीय स्थान था। मैंने रामायण बताया, महाभारत बनाया, ये सब लोग बताए अनगिनत है, आई थिंक गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक आज मैं यहाँ पे समाप्त करूँगी। पर आप सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम अपने सनातन संस्कृति को नहीं जानते, इसलिए बाहर के जो भी लोग बोलते थे हम बिलीव कर लेते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं जो हमारा थॉट फ्लो नहीं है। ये जो हर आत्मा में दिव्यता देखता है, ये संस्कृति जो नर हो पुरुष हो पेड़ हो पौधा हो पत्थर हो जो जीवित भी नहीं है उसमें भी हम दिव्यता देखते हैं, तो हम लोग कभी भी ऐसे नहीं थे जो आपका बहिष्कार करें। परंतु हमारे
गेम हुआ है वो लेफ्टिस्ट मीडिया हिस्टोरियंस ने जो किया है, और बॉलीवुड ने बहुत बड़ा पात्र प्ले करा, बॉलीवुड ने कैरिकेचर्स बना दिए, बॉलीवुड ने हमें मजाक का पात्र बना दिया। जहाँ भी चित्रण हुआ बॉलीवुड में उन्होंने उन्हें सिर्फ नाचते गाते और ये सब करते जो हमारे पुरोहितों और पंडितों को गूंगा पंडित कहा गया। तो अगर हम इसको उन सब से निकलना है और हमें सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ जीना है, क्योंकि आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं, उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग बनाया है, दिव्य बनाया है, और हम यही मानते हैं। परंतु ये लागू करने के लिए हमें अपने शास्त्रों से जुड़ना होगा। वी हैव टू गो बैक टू बैक बेसिक्स, और देखती देखा यही मुहिम है जोड़ने के लिए। तो हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप हमारे साथ पार्टनर करें, हम आपके साथ मात्र करें, और इसी तरह से ये जीवन की गाड़ी आगे चले। और